नहीं मांगते हैं, देते हो रियासत, देते हो तो दे दो, वरना गिलगित पाकिस्तान छोड़ो, हम जाने गिलगित पाकिस्तान जाने। हमने कहा हम सब्सिडी के लिए आए हैं, हमारी सब्सिडी कभी काटते हो कभी नहीं काटते हो, कभी सफेद गंदम कभी सड़ा हुआ गंदम कभी काला कभी सफेद, ये क्यों देते हो? देना कि नहीं देना हम ले आए हैं, ये पूछना पड़ा। तो दूसरी बात उसने कहा, चेयरमैन साहब आप लोग गिलगित पाकिस्तान वाले चावल तो 450 रुपए का खाते हो, चावल तो 450 रुपए का खाते हो और गंदम 13 रुपए का मांगते हो, ये नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा मार्जन है कहा, बहुत बड़ा मार्जन है। दूसरी बात उसने ये कहा, हम यहां से बेचते हैं ताना की तौर पर, हम यहां से बेचते हैं, अमीर भी खाता है गरीब भी खाता है। अभी हमारा मकसद ये है टारगेटेड करना का, ठेकेदार नहीं खाएगा, दुकानदार नहीं खाएगा, 16 सिगरेट वाला नहीं खाएगा, 40,000 वाला तनखा वाला नहीं खाएगा, और हम गरीबों को बेनजीर की खिलाफ देते थे, इस तरह देंगे तो हमारा भी बच जाएगा। मैंने कहा बस, क्यों? हम अपने ठेकेदारी के लिए नहीं गए थे, नौकरी के लिए नहीं गए थे, ट्रांसफरी के लिए नहीं गए थे, आपके लिए गए थे, आपके लिए हमने बात आपकी करनी थी, अपनी नहीं करनी थी। हमने कहा मैं बेनजीर वाला खेड़ा मांगने के लिए आया हूं, ये जी हम गरीब है दे दो लगा, नहीं दे दो लगा, हम गरीब नहीं अमीर है, 450 रुपए का किलो गंदम चावल बिकाते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। आज का सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुतनाजा इलाका है, वहां पे जिस इलाके में जिस मुल्क में मुतनाजा इलाका हो वहां 25 एशिया पे सब्सिडी दे, और हमारे इलाके में एक सड़ा हुआ गंदम देकर